आज आप अपने घर में बैठे बैठे इंडिया से आम, ब्राजील से कॉफी और फ्रांस से वाइन खरीद सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे होता है? जी हाँ, ये इंटरनेशनल ट्रेड का कमाल है। इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस को बढ़ाने का एक तरीका है जिसमें वर्ल्ड को एक ग्लोबल मार्केट की तरह देखा जाता है। ग्लोबल इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए बहुत से देश आगे आ रहे हैं, इसे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कई देश इंटरनेशनल बॉर्डर्स से ऊपर उठ के आपसी हित के लिए आगे आते हैं। ग्लोबलाइजेशन दुनिया भर में बिजनेस, सर्विस और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और एक्सपेंशन के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबलाइजेशन में पूरी दुनिया को सिंगल मार्केट की तरह देखा जाता है। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ग्लोबलाइजेशन नया टर्म हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी लंबे समय से एक दूसरे पर निर्भर रही है। पिछले कुछ सालों में ग्लोबलाइजेशन रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, जिसके पीछे कई कारण हैं। उन कारणों में इजी ट्रांसपोर्टेशन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे पहले आते हैं। ट्रेड के इजी रूल्स भी ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन में एक्चुअल रिवॉल्यूशन डोमिनेटिंग ब्रांड्स की वजह से देखने को मिली है। साथ ही मार्केट्स में कॉम्पिटिशन बढ़ने के कारण प्रोडक्ट्स के रेट्स में भी कमी आई है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रयासों की वजह से पिछले कुछ दशकों में कई देशों ने इम्पोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस के रेट्स को भी कम किया है। इन सब के साथ ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने भी ग्लोबलाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसने ट्रेड को इतना आसान कर दिया है कि हम दुनिया भर का कोई भी प्रोडक्ट घर बैठे खरीद सकते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन जहां आसान हुआ है, वहीं इसने मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज भी कम रह गई हैं।